वहीं चमोली में वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि देवाल, जोशीमठ, घाट, पोखरी, गैरसैंण के अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिल सका है, जबकि बाकी ब्लॉकों में अतिथि शिक्षकों को सैलरी मिल चुकी है। एक ही जिले में अलग अलग कानून को लेकर सभी में आक्रोश है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। गेस्ट टीचर्स को का यहाँ पर उनको कुछ वेतन के की परेशानी के जो लोग विसंगति को लेकर उनकी मांग है और जिस पर विचार चल रहा है, और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे कुछ समय इसका पूरा अध्ययन देखना चाहिए कि शासनादेशों के आलोक में क्या हो सकता है। जो हमारी मांग है ये सिर्फ और सिर्फ वेतन के संगत के लिए है, जिसमें ग्रीष्मकालीन वेतन और शीतकालीन वेतन, इसके लिए हमने पहले भी सांकेतिक धरना दिया है और हमारा कल 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना है। हमारा जो सैलरी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है उसको लेकर हमारा मुद्दा है कि हमारे स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट में से आपने 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में से चमोली में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो चमोली है यहाँ पर भी आपने 2 ब्लॉक्स में आपने सैलरी दे दी है और हमारी सैलरी रुकी हुई है।